राजस्थानी डिजाइन होता है ना झुमका, आज भी वहाँ की लेडीज अगर झुमका पहनती है, वहाँ पर आज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झुमके के डिजाइन बने हुए हैं। ये हिंदू रानी का पैलेस है सर, ये पूरा पैलेस हवेली की तरह बना हुआ है, क्योंकि हवेली आर्किटेक्चर बना है। ये उनका समर बेडरूम था सर, इस साइड दोनों अपोजिट डायरेक्शन, हाँ बोथ आर सेम है। और जो ब्लू वन ट्रायल से उस टाइम पे चाइना से मंगाई गई थी, अभी तो कलर कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पे ये टॉर्टोइस के टाइप्स हुआ करते थे। किचन है सर या वेजिटेरियन किचन है, वो नॉन वेजिटेरियन किचन है। अच्छा मैम, किचन इसलिए अलग अलग बनाया गया कि ये किचन होता तीनों रानी के वॉशिंग में लड़ती, क्योंकि हिंदू रानी प्योर वेजिटेरियन थी, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन थी, तो नॉन वेजिटेरियन किचन था, ये वेजिटेरियन था। अच्छा, हिंदू रानी राजस्थान से बिलोंग करती थी जयपुर से, राजस्थानी डिज़ाइन होता ना झुमका, आज भी वहाँ की लेडीज वगैरह झुमका पहनती है, वहाँ पर आज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झुमके के डिज़ाइन बने हुए हैं। जब भी दासी इनके लिए कोई अच्छा डिश वगैरह बनाती थी, जो दवाई खुशी से उनको डिजाइन देती थी, आप कोई सा भी आप डिजाइन पसंद कर लिए उनको बनवा के वो जिनको गिफ्ट में दिए जाते थे दासी को, इसलिए डिजाइन बनाया गया। ये हिंदू रानी का पैलेस है सर, ये पूरा एंटायर पैलेस हवेली की तरह बना हुआ है, क्योंकि हवेली आर्किटेक्चर बना है। जो दो रीजन थे सबसे बड़ा महल बनाने के लिए, जो अदर वाइफ के थे वो छोटे छोटे थे, एक तो इन्होंने लड़का दिया था अकबर को, इसलिए सबसे बड़ा महल था। वो एक पॉलिटिकल रीजन भी था, क्योंकि ये प्रिंसेस थी और जयपुर की महारानी भी थी, आमेर फोर्ट आपने देखा होगा, वही उनकी रहने वाली थी। तो अकबर ने अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए तो काफ़ी बड़ा पैलेस भी और काफ़ी अच्छी कहते उनको फैसिलिटीज़ वगैरह दी गई थी। तो ये पूरा हवेली स्टाइल में था, वो इनका होता था, हाँ पॉलिटिकल रिलेशन के लिए था। इन्होंने अपना किंगडम बचाने के लिए, अकबर ने अपना फ्रेंड्स वगैरह के लिए, क्योंकि पूरा राजस्थान काफ़ी बड़ा था, तो एक क्योंकि जयपुर काफ़ी अच्छा घराना था, पास में भी था, तो उनको अपने साथ मिलाने के लिए और दूसरे राजस्थान के एरिया को जीतने के लिए उनसे शादी किया था। अच्छा, ये ब्यूटीफुल आर्चेस वगैरह बना हुआ है जो मुस्लिम डिज़ाइन का होता है, हिंदू रानी का पहले से, मगर जो आर्च है ना मुस्लिम डिज़ाइन का बनाया गया। और जो डाउन में मैम ट्रंक ऑफ एलिफेंट का जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, एक तो ट्रंक का एक ट्रंक डाउन है, ट्रंक कब होता है ना वेलकम के लिए, जब भी हम रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वेटर कहते हैं वेलकम, और ट्रंक कब होता है गुड मॉर्निंग वगैरह के लिए, कहते हैं फ्रेंड से गुड मॉर्निंग वगैरह का। अच्छा, जो स्टार वगैरह बने हुए हैं ऐसा लगता है जूस के लिए हैं, काफ़ी ब्रिटिश गोरे वगैरह लोग आते हैं, वो कहते हैं ये जूस वगैरह का, मगर ये जूस वगैरह सिंबल नहीं है, हिंदू मैथोलॉजी है। ये बीच में एक लोटस फ्लावर बना हुआ है, ये हमारे यहाँ पे वो ग्रह के साथ रिलेट करते हैं, हाँ ये वाला सिंबल है, और बीच में लोटस फ्लावर है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। अच्छा, ये दो ट्राइंगल है, एक तो गॉड के लिए होता था, एक गॉडेस के लिए, और सिक्स पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में तीन गॉड मोस्ट हैं और तीन उनकी वाइफ जो गॉडेस हैं। पहले गॉड थे ब्रह्मा जी, उनका जब जन्म हुआ था फ्लावर में थे, ब्रह्मा क्रिएटर के लिए माने जाते हैं, जो उनकी वाइफ थी सरस्वती। एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन ब्रह्मा कान बी क्रिएट एनीथिंग, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट थे। सेकेंड अपने गॉड थे विष्णु जी, प्रोटेक्ट के लिए यूज होते थे, विष्णु जी की वाइफ थी लक्ष्मी, लक्ष्मी वेल्थ वगैरह के लिए मानी जाती थी, विदाउट वेल्थ कान बी प्रोटेक्ट एनीथिंग, आप अगर आप पे कुछ नहीं तो आप किसी को भी प्रोटेक्ट वगैरह नहीं करते। और थर्ड थे शिवा, डेस्ट्रॉय के लिए, उनकी वाइफ थी पार्वती एनर्जी के लिए, तो विदाउट एनर्जी कान बी डेस्ट्रॉय एनीथिंग, तो सर विदाउट लेडी मैन कान बी डू एनीथिंग, इसलिए छओ के छओ ऐसे कनेक्ट करके एक दूसरे से बनाए गए। ये उनका समर बेडरूम था सर, इस साइड में ये उनका विंटर बेडरूम था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, हाँ बोथ आर सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि नॉर्थ में था ऊपर की साइड में, हाँ ये उनका समर था नॉर्थ में, ये इनका विंटर में साउथ में, देखो साउथ में यहाँ से सन होता ना, हमेशा वो गर्म रहता था। सामने उनका मंदिर था पूजा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने किंग से अकबर से शादी किया था, मगर उन्होंने धर्म को कभी चेंज नहीं किया। ये जो मंदिर है ये सामने, हाँ सामने उनके कृष्णा जी का मंदिर था, अभी एक्टिव नहीं है, और मंदिर में पूजा करने के वहाँ बीच में तुलसी का पौधा हुआ करता था, तुलसी उस टाइम पे मेडिसिन वगैरह के लिए लोग यूज करते थे, लोगों ने मना कर दिया तुलसी मत लगाइए। और यहाँ पर दासियों के लिए रूम्स वगैरह हुआ करते थे सर, पापा जी और नौकरानी वगैरह के लिए दिखा रहे हैं, और वो डॉम्स वगैरह है ना वो गार्ड्स वगैरह के लिए हुआ करते थे। गार्ड्स के रूम में तो ना तो सर आदमी होते थे ना औरतें होती थी, इनुक्स होते थे, किन्नर लोग वही सबसे ज्यादा उस टाइम पे वफादार माने जाते थे।
तो अकबर के लिए जितनी भी जानकारी वगैरह थी ना पैलेस के अंदर वही लोग देते थे। तो ये पूरा हिंदू रानी के लिए पैलेस था और जिस गेट से हमने एंट्री किया उससे टेढ़ा मेढ़ा सा गेट बना हुआ। जितनी भी आप हवेली देखेंगे राजस्थान में इनके उस टाइप के गेट होते हैं, सीधे नहीं होते क्योंकि वहाँ ये पर्दा सिस्टम का हिसाब होता था मुस्लिमों की तरह, क्योंकि जब भी वो अंदर लेडीज वगैरह रहे तो बाहर के लोग उनको नहीं देख पाए, अंदर बाहर की जो लेडीज वगैरह जेंट्स को अंदर बाहर नहीं देख पाएंगे, इसलिए इस टाइप के गेट बनाई जाती थी। सिक्स है जो हमने अदर रानियों के लिए गेट देखे तो सामने आराम से देख सकते थे, इसलिए ये वाला गेट ज़िगज़ैग था, ये ज़िगज़ैग बनाया जी। तो आप एक यहाँ पे राउंड लगा लीजिए, फोटो वगैरह ले लीजिए, उसके बाद हम फतेहपुर चलेंगे। तो हमारा ये सीकरी कंप्लीट हो चुका है, सीकरी कंप्लीट है, उसके बाद हम फतेहपुर चलेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चलता जो हैंडीकैप लोग, पर इसके बाहर तो ये लिखा हुआ है कि ये जोधा भाई का महल नहीं है, ये बेसिकली उसका हरम था, हरम सराय भी बोलते थे, यही जोधा भाई का पैलेस, जो उसका जोधा भाई का जो पैलेस था ना आगरा फोर्ट के अंदर हुआ करता था। अच्छा, और सेम इसी का डिजाइन करके ये बेसिकली सिर्फ जोधा भाई से बिलोंग नहीं करता था, नहीं बिलोंग करता था मैम, क्योंकि जोधा भाई यहाँ स्टे करता था, मगर बाद में उनका जो डिफरेंट डिफरेंट राइटर आए, इन्होंने स्टडी वगैरह किया, तो इन्होंने पहले यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि जोधा भाई का पैलेस बोलते हैं, बाकी साइड में बोर्ड लगा हुआ है उसको वो लोग बोलते हैं जोधा भाई के पैलेस, जो दूसरे राइटर थे इन्होंने लिखा उसको हरमसराय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूम्स वगैरह है ना काशी वगैरह के लिए हरम लोगों के लिए यूज होते थे। अच्छा, ये नीचे जितने भी रूम्स बने हुए हैं जो जोधा भाई के ऊपर की साइड में रहती थी ना, ये बंद कर दिया गया, और जो ब्लू वन ट्रायल से उस टाइम पे चाइना से मंगाई गई थी। हाँ, अभी तो कलर कर दिया गया क्योंकि उस टाइम पे ये टॉर्टोइस के टाइप हुआ करते थे। क्या होती थी ये ब्लू कलर का, क्या था ये व्हाइट व्हाइट प्लास्टर देख रहे हैं ना, ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ पूरा, उस टाइम पे यहाँ पेंटिंग्स वगैरह हुआ करता था कलरफुल, आप देख सकते हैं अंकल का डिजाइन का पेंटिंग्स वगैरह।